अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास दोस्तों आई है टाटा मार्को पोलो बस। ये BS3 गाड़ी है दोस्तों। इसमें ये दिक्कत आ रही है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है और स्टार्ट होते ही बंद पड़ जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ट्रबल कोड जो है वो क्या जनरेट हो रहा है। अब हम लोग आएंगे ट्रबल कोड में। ये आप देख सकते हो ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल सेटअप बल्ब का, नीचे वाला फ्यूल क्वांटिटी एक्चुएटर, नेगेटिव गवर्नर डेविएशन एट वार्म कंडीशन, ये कोड आ रहा है। सबसे पहले आपका कॉज में दिखा हुआ है कि डिफेक्ट इन कनेक्शन बिटवीन FIP एंड ECU, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप और ECU के बीच में कनेक्शन जो है वो सही नहीं है। ये आप पढ़ सकते हो रेमेडी में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे नीचे इफेक्ट में आप देख सकते हो कि व्हीकल जो है स्टार्ट नहीं होगी और चलते चलते बंद हो जाएगी। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है और स्टार्ट होते ही बंद पड़ जा रही है। अब इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें कैसे आपको पता करना है कि इसका जो ECU खराब है या फिर इसका फ्यूल इंजेक्शन पंप खराब है या फिर वायरिंग में कुछ फॉल्ट है। इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ देखेंगे। ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। इस गाड़ी में जो है 4 सिलेंडर 996 नंबर का FIP दिया है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप दिया है। ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। दोबारा से हम लोग एक बार कोड जो है वो देख लेते हैं क्या आता है और उसको क्लियर करके भी देख लेते हैं कि स्टार्ट होती है हमारी गाड़ी या फिर नहीं होती है। ये हम लोग जाएंगे टाटा में और ये BS3 हमारी बस है तो उसमें जाकर हम लोग इसको स्कैन करेंगे। ये आप देख सकते हो इसमें EDC 15 वाला जो है ECU दिया हुआ है। ट्रबल कोड देखते हैं और कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हो एक और ट्रबल कोड जो है वो जनरेट हो गया। एक बार हम लोग इसको क्लियर करते हैं और दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट हुआ या फिर नहीं होता है। ये आप देख सकते हो ये जो है EDC 15 वाला ECU जो है इस व्हीकल में दिया गया है। ये ECM का भी प्रॉब्लम आता है जिस वजह से ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले तो हम लोग इसका FIP चेक करेंगे कि वो ख़राब है या फिर इसका ECM ख़राब है, उसको बाद में देखेंगे। FIP चेक करने के लिए आपको जो है सिर्फ एक चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर देख रहे हैं इसके कपलर को जो है 7 पिन वाला, इसको आपको अच्छे से लगा देना है। जैसा कि हमने ट्रबल कोड में देखा कि उसमें ये दिखा रहा है या तो आपका डिफेक्ट जो है वो FIP में हो सकता है या फिर ECM में हो सकता है या फिर वायरिंग में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो FIP को चेक करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर आपको लगा देना पड़ेगा। इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको की को ऑन करना है। ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर जो है ये आपका काम कर रहा है, यानी कि ये जो आप पिन से निकली हुई देख रहे हो ये जो रोटर के स्लीप को मूवमेंट कराता है। तो ये आप देख सकते हो ये जो है काम कर रहा है। ये हमने जैसे की ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये जो है काम कर रहा है, ये आप देख सकते हो। ये इसको हमने पीछे भी कर दिया फिर भी ये अपने पोजीशन पे है। ये एक बार मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर जो है इसका काम कर रहा है। ये मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जो है कैसे काम करता है। ये हमने इसको जूम किया, ये चाबी हमने कट किया या हम दोबारा जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये जो है हमारा मूव कर रहा है, यानी कि हमारा जो ECM से करंट है वो इसको प्रॉपर मिल रहा है, तभी जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर काम कर रहा है। लेकिन हमारी जो व्हीकल है वो स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कि इसका ECM ओके है, फ्यूल इंजेक्शन पंप में प्रॉब्लम है। तो पंप को हम लोग खोल लेते हैं। ये रहा इसका पंप जिसको हमने खोल लिया है। अब देखते हैं पंप में क्या प्रॉब्लम है। पंप को हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब पंप को खोलने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि पंप में क्या फॉल्ट है
जिस वजह से जो है गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। सबसे पहले तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर खोलना पड़ेगा, तभी पूरा पंप जो है उसके बाद खुलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर को हम लोग खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हो इसमें वाटर वगैरह तो कुछ आया हुआ नहीं है, ऊपर से ही आपको दिख रहा है। अब इसका गवर्नर को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो इसका गवर्नर जो है वो फंस गया है, जिस वजह से जो है गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये फंस गया है, अब ये रिलीज़ हो गया। ये आप देखो ये बीच में फिर सेंटर में आकर फंस गया, मतलब इसका जो गवर्नर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब इसको बाकी और खोल लेते हैं कि इसमें और क्या फॉल्ट है, ये किस वजह से जो है इसका गवर्नर काम नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हो ये रहा इसका गवर्नर, इसमें काफी डस्ट आया हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब इसको और खोल लेते हैं हम लोग, इसका रोटर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये निकल गया इसका रोटर, अब निकालते हैं इसके कैम प्लेट को। ये आप देख सकते हो ये रहा इसका कैम प्लेट, ये आप देख सकते हो इसका कैम प्लेट जो है ये खराब हो गया, डैमेज हो गया, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर में डस्ट चला गया और वो जो है फंस जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है और हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ये आप देख सकते हो इसके रोलर जो है वो भी डैमेज हो गए, ये मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। इस पंप से जो है रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर जो है उसको आपको कैसे रिपेयर करना है या फिर पंप में क्या प्रॉब्लम होती है, और भी काफ़ी सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देख सकते हो उसको। ये आप देख सकते हो पूरा पंप हमने खोल दिया है, इसमें प्रॉब्लम हमें यही मिली कि इसका जो कैम्पलेट है और रोलर है वो डैमेज हो गया, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर भी खराब हो गया। ये आप देख सकते हो इसकी बॉडी, ये अब जो है अब हम पंप में जो है नया कैम्पलेट रोलर और पार्ट्स जो है वो डालेंगे और फिर पंप को गाड़ी में लगाएंगे, जो है वो हमारी बिल्कुल ओके हो जाएगी। ये आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर, इसमें पहले पानी गया हुआ था जिस वजह से इसमें जंग लगा हुआ है, यानी रस्ट पकड़ा हुआ है इसमें। इसको हमने खोल दिया, अब इसको हमने रिपेयर भी कर दिया है और ये रहे इसके पार्ट्स। अब पंप को जो है वो हम लोग गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी जो है वो हमारी बिल्कुल ओके हो जाएगी। ऐसे तो दोस्तों इस गाड़ी में दिक्कत यही आती है, अगर स्टार्ट ना हो तो इसका इंजन स्पीड सेंसर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो जो है आप चेंज करके देख सकते हो। बाकी विदाउट स्कैनर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर से भी पता लगा सकते हो कि इसका ECM खराब है या फिर इसका फ्यूल इंजेक्शन पंप। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।